गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों को देखते हुए पीएम मोदी आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च करेंगे। पीएम आज सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। ये 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक यह अभियान चलेगा। इसमें 50 करोड़ रुपए का कार्य कराया जाएगा, जिसमें मजदूरों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 3 में से 2 सीटों में बीजेपी का कब्जा हो गया, जबकि कांग्रेस की ओर से सिर्फ दिग्विजय सिंह को ही राज्यसभा जाने का मौका मिला है। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी से मध्य प्रदेश का बदला ले लिया। राजस्थान में राज्यसभा की 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि 1 सीट में बीजेपी के खाते में गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज वर्चुअल रैली के जरिए गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। रैली शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक होगी। इस रैली में 1 लाख से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वर्चुअल रैली के जरिए राजस्थान कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वे आज जोधपुर व बीकानेर संभाग के लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए तकरीबन 44,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। दिल्ली में एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। इस किट से लोगों को काफी राहत मिल रही है। पहले जो रिपोर्ट 2-2 दिनों में आती थी, वो अब महज 30 मिनट के अंदर मिल जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वासियों को टेस्ट कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। विश्व की धरोहरों में शामिल मुंबई का छत्रपति टर्मिनल रेलवे स्टेशन को आज से 143 साल पहले आम जनता के लिए खोला गया था, यानी इसकी शुरुआत के 143 साल आज पूरे हो गए हैं। निर्माण के समय इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल था, लेकिन 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया था और 2004 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली NCR के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। DU में एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 20 जून से 4 जुलाई तक आवेदन की समय सीमा निर्धारित की गई है और पहली कट ऑफ के दाखिले 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच होंगे। कोरोना वायरस के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वे आज ओक्लाहोम में एक रैली को संबोधित करेंगे। पहले रैली कल होनी थी, लेकिन जूनटीथ के कारण इसे 1 दिन आगे शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।